चैम वो बहुत अपसेट हो गया। देखो तो गाइज आज मॉर्निंग में मैं अभी नीचे जाऊंगा, चैंप से मिलूंगा। आज वक्त है आज से उसके फूड को चेंज करने का, एंड फूड कौन सा मैं उसको पहले देता था और किस तरह से वो रिएक्ट करता था। जब बहुत छोटा बच्चा था बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड बिहेव करता था, अभी वो छोटा ही है, बट जब और ज्यादा छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, कैसे ओवर एक्साइटेड बिहेव करता था, वो फूड में क्या देता था वो आप इंजॉय करो फुटेजेस। तब तक मैं पैकेट फूड नीचे ले जाता हूँ एंड ये फुटेजेस आप देखो, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि नया फूड जो है वो क्या है, क्यों मैंने वो लिया है एंड वो किस तरह से उसको मैं दे दूंगा। बिकॉज अभी उसको 2 महीने मतलब कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है, 1-2 दिन बाकी है, 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं उसको। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट बिलो, एंड गाइस सपोर्ट करना, बेल आइकन जरूर दबा देना एंड सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत, बिकॉज ये चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, न्यू चैनल है। एंड लेट्स हिट टूवर्ड्स, आप फुटेज देखो चैम के, मैं देन बताता हूँ उसका नया फूड क्या है। और मुझे पता है कि टॉय वाला वीडियो बाकी है, मैं वो भी बहुत जल्दी बना दूंगा एंड डोंट वरी, फर्स्ट टॉय वाला वीडियो बनेगा। कुछ रीजन से नहीं बनाया वो उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लॉट्स ऑफ लव। इसका फीडिंग टाइम, देखना है कैसे टूट पड़ता है। ये देखो ये क्या कर चुका है अपने आप को, जस्ट लुक एट इट, ये देखो। हाय चैंप, चलो तो गाइस मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये अभी वेट कर ही रहा है अपने फूड के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका न्यू फूड। पहले जैसा कि मैं आप लोगों को मैंने बताया, ये है रॉयल कैनिंग का बेबी डॉग मिल्क और ये है सेरेलैक, इसके अंदर हमने डाल दिया था बिकॉज पैकेट कुछ ज़्यादा फट गया था इसलिए। एंड इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, एयरटाइट आती है, इसके अंदर काफ़ी सारे पैकेट्स रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो अब फाइनली रिवीलिंग इसका न्यू डॉग फूड, क्योंकि ये है, अभी पैक मैंने खोला भी नहीं है। ये है इसका न्यू डॉग फूड जो कि है NND पम्पकिन, एंड इसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एंड इसके अंदर ये एक्चुअली ये वाला जो है इसमें आप ध्यान से देख के लीजिएगा आपकी ब्रीड के हिसाब से, ये है पपी मिनी के लिए, ग्लूटेन फ्री है, मेड विदाउट ग्रेन्स, एंड ऑल्सो गाइज देख सकते हो मिनी पपी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो 96% प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, 0% आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एंड 0% मेड विदाउट ग्रेन्स एंड GMO। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर योर पपीज, इसकी ग्रोथ जैसे कि आप आज देख लो इसकी ग्रोथ, और अभी हम इसको 1 मंथ देंगे और 1 मंथ के बाद का मैं आपको बताऊंगा, इसका मैं फ़ोटो भी बिफोर एंड आफ्टर का रख लूँगा। तो गाइज इसको हम खोलते हैं आधी मुट्ठी एज ऑफ स्टार्ट देख के इसमें डालूंगा, एंड ऑल्सो मैंने उसको बंद करने से पहले उसका थोड़ा सा कंटेंट रहने दिया है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन किसी भी डॉग को अगर आप फूड चेंज करोगे तो हो सकता है वो ना भी खाए,
तो गाइज इसमें अपने को इस तरह से करना पड़ेगा कि पुराना टेस्ट भी रहे इसका उस वक्त, नए टेस्ट को भी ये एडजस्ट कर पाए। तो धीरे धीरे पुराना कंटेंट कम कर देने का और नया फूड वो एडजस्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं इसको, मैं निकालता हूँ इसके ग्रेन्स दिखाता हूँ एंड इसको हम देते हैं फूड जो कि ये वेट कर रहा है कब से। चैम्प दे रहा हूँ शांति। ओके गाइस, तो मैंने इसको काट लिया है एंड ये इसका ड्राई फ्रूट। एक कटोरी में, मतलब इसका जो बाउल है इसमें ऑलमोस्ट आधी मुट्ठी पहली बार में देंगे थोड़े टाइम के लिए। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अभी के लिए ये इनफ है क्योंकि दिन में चार बार देना है और इसको ओवर फीडिंग अपने नहीं करवा सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कर्ड, इसमें जस्ट बिकॉज ये अपना पुराना टेस्ट इसको याद रहे एंड ऑल्सो नए फूड में एडजस्ट करे, उसके लिए हम पुराने फूड में से इसको एक हल्का सा क्वांटिटी ऐड करेंगे पुराना फ्लेवर इसका। तो उसको पुराने फ्लेवर की वजह से वो एक्चुअली खाएगा, श्योरिटी होगी कि वो खाने वाला है एंड इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखो वेट कर रहा है, ये देखो हाय। ओके गाइस, तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो इसको खाने देंगे। चैम्प चैम्प चलो। तो इसका ये है फर्स्ट टाइम ऑफ सॉलिड फूड्स, देखते हैं ये सॉलिड फूड्स रहने देता है या खा लेता है, इसको पसंद आते हैं या नहीं। तब तक मैं पानी ले आता हूँ। तो गाइस जैसा देख सकते हो अब तक तो सॉलिड फूड्स इसने ख़त्म नहीं किए हैं, बट लेट्स सी। गुड बॉय गाइस, देखो इसने सारा फूड ख़त्म कर लिया है। और गाइस आपको ये देख के ऐसा लगेगा कि शायद ये और भी भूखा है, इसको कम क्वांटिटी में मिला है, बट ऐसा नहीं है। पपीज़ को आप जितना खाना दोगे उतना खा लेगा, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, तो आपको उसको एक लिमिटेशन में देना चाहिए। एंड अब बारी है इसके फेस एंड ईयर्स क्लीनिंग की। जैसे कि आप देख सकते हो इसने काफ़ी डर्टी कर लिया है हमेशा खाते वक्त। इसके ईयर्स इतने लॉन्ग रहते हैं कि ये खाने के अंदर हमेशा इसका नाक, ये देखो इसका नाक इनका अंदाज देता है। तो मैं क्लीन अप करके फिर वापस आता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये NND का मिनी पप मैंने इसको पहली बार दिया है एंड इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये अभी तक उसी को ढूंढ रहा है, बट ऑब्वियसली चार बार दिन में देना है लिमिटेशंस के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो, हैवी वेट भी नहीं हो, मतलब ओवर ज़्यादा मोटा भी नहीं हो जाना चाहिए, कि डॉग्स को पता नहीं चलता इस बारे में। एंड देखो ये अभी भी फूड ही ढूंढ रहा है, बट नो वरीज, इसको हम रखते हैं अंदर। इसका जो रूटीन है इसको मैं एयरटाइट डब्बे में बंद कर दूंगा। अभी है चैम का वॉक टाइम। चैम चल वो नहीं आ रहा है आज, उसको सिर्फ अभी भी खाने में इंटरेस्ट है। देखो चल चल चल, फाइनली आ गया ये। अब इसको कर दूंगा बंद सो दैट इसको थोड़ा सा वॉक टाइम मिले। बाय द वे, अब तक मैं इसको लोन में नहीं ले जा चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि फ़र्स्ट टाइम उसका लोन एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा फ़र्स्ट टाइम इन इज लोन एक्सपीरियंस, मतलब जो गार्डन एरिया है। चैम्प गुड बाय, चल चलो 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 चलो। इसको पता नहीं क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है मनी प्लांट से, आके इसको खाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, बट बाइटिंग जरूर करेगा उसका। ये देखो
चैम्प क्या कर रहा है? चैम्प चलो, तो हम यहाँ पे काफी वॉकिंग एंड रनिंग करते हैं रोज और खेलते हैं, मस्ती करते हैं, है ना चैम्प? ये देखो हम लोग फुल यहाँ पे मस्ती करते हैं। कैमरा रख दो आके ना। ओके रख देता हूँ। तो बोल प्लीज सब्सक्राइब चैनल बोल। ओके हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड बाय, लव यू। ओके बाय बाय बोल के चला गया। एनी गाइज गाइज उसको खेलना है एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपसेट हो रहा है। एनी गाइज गाइज ये देखो अभी वेट कर रहे हैं, उसको खेलना है एंड मैं वीडियो पे ध्यान दे रहा हूँ तो बेटर है मैं उसको टाइम दे दूँ खेलने के लिए। एंड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। हिट द बेल आइकन, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप सपोर्टिंग चैम्प। मैं खेल लेता हूँ उसके साथ, देखो गाइज चलो चैम्प चैम्प गिर गया कम, वो बहुत अपसेट हो गया। देखो इसलिए वो गाड़ी के नीचे जाके बैठ गया था, अब पता चला मुझे। अब इसको हम देंगे टाइम थोड़ा, है ना चैंप? यस गुड बॉय, चलो एस पे चलो।